नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या काम किया? देश की सुरक्षा के लिए 126 राफेल खरीदे थे, और वह खरीदे थे हमारे देश में हवाई जहाज बनाने वाली सरकारी कंपनी ने। उस ठेके को रद्द करके अपने चहेते फाइनेंसर अनिल अंबानी के लिए राफेल सौदा रद्द करके राफेल घोटाला कर डाला। नरेंद्र मोदी ने और क्या काम किया? नरेंद्र मोदी हमारे देश में भोजन के अधिकार को खत्म करके नकदी की प्रक्रिया में ला रहा है। हमारे देश में जानने का हक, सूचना के अधिकार को बदलने का काम कर रहा है। लेकिन यही नहीं, मॉब लिंचिंग करा करके देश में दलितों और मुसलमानों को डराने के लिए गाय के नाम पर हत्या भी करवा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा रोज करवा रहा है। जब तक देश में मुसलमान और दलित संघी गिरोह से डरेगा नहीं, तब तक संघी गुंडों का हमला बंद नहीं होगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। ये संदेश भी है। बड़ा संदेश क्या दिया? एक संदेश दिया कि अगर इनका नेता जेल जाता हो तो सजा देने वाले जज की जो दशा है वो डॉक्टर लोया की तरह हो जाती है। और कोई पुलिस अधिकारी हत्यारों को गिरफ्तार करे तो सुबोध इंस्पेक्टर की तरह मारा जाता है। ये संदेश भी संघी गिरोह ने दिया है। मामला ये नहीं, इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमारे संसद की चौखट पर संघ के अनुयायियों के द्वारा हमारे संविधान को जलाया गया। संविधान क्या है? हमारा देश रामायण काल से लेकर के आजादी के दिन तक पढ़ जाते हैं हम लोग। आप मेरे सब लोग जानते हैं महर्षि वाल्मीकि को डकैत कहा गया। क्यों? उस समय दलित समुदाय को पढ़ने का हक नहीं था, उन्होंने शिक्षा की डकैती डाली। आपको और आज के मालूम है एकलव्य का अंगूठा कटवाने वाले लोग वही लोग हैं, ये संविधान जलाने वाले जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का विरोध किया था, जिन लोगों ने गोरों की मुखबिरी की थी, वो हमारे देश में देश के आदिवासी किसान मजदूर महिला दलित भूमिहीन सबको जो नागरिकता मिली, जो हक मिला, उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए पहले संविधान की पट्टी जलाते हैं, फिर संघ प्रमुख क्या बोलते हैं, हमको भारत में सब हिंदू नजर आते हैं, मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन उनको नजर नहीं आते, उन्होंने संविधान को खारिज कर डाला। हमारे साथी सुधा भारद्वाज गौतम नौलक्खा जैसे साथी जो देश में किसान मजदूर आदिवासियों की बात उठाने वाले राव और तमाम साथी, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री धमकाता है सुप्रीम कोर्ट को। क्या कहता है? हमने कानून बनाने का काम हमारा तुम्हारा लागू करने का। और चौथी बड़ी बात, अमित शाह राजधानी दिल्ली में घोषणा करते हैं वो 100 करोड़ लोगों को भारत से भगाएंगे। मेरे दोस्तों, मसला यही नहीं, झारखंड में गौ के नाम पर हत्या करने वाले का सम्मान करने के लिए नरेंद्र मोदी का मंत्री जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये हमको सोचना पड़ेगा। और सब लोगों ने मनन किया कि हमको संविधान बचाने के लिए देश में चलना पड़ेगा। और जब हम यात्रा में गए, 4-5 घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे साथियों ने सुना 34 साल से नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है। कारण, वहां पर हजारों हजार परिवार हैं आदिवासी किसानों के, जिनको खेत के बदले खेत और घर के बदले घर नहीं मिल रहा है। उनके खेत और खलिहान डुबा कर गुजरात को पानी देना था। और गुजरात में क्या होता है? गुजरात में जिस जमीन पर पानी देना था वो 925 वर्ग किलोमीटर का भूभाग, राजधानी दिल्ली से बड़ी जमीन नरेंद्र मोदी की सरकार और वहां की भाजपा सरकार मिलकर छीन रही है किसानों से और एक कंपनी को दे रही है। जो कंपनी को जमीन नहीं देना चाहता है उस किसान को वहां की पुलिस उठाकर पीटती और मारती है, जबरन जमीन छीनती है। दूसरी बड़ी घटना, राजस्थान में एक कॉलोनी है बकवास कॉलोनी, अरबों रुपए शौचालय पर खर्च होता है लेकिन वहां शौचालय बनाने का हक नहीं है। और जब महिलाएं शौच कर रही थी, जाफर अली वहां जाफर खान विरोध करते हैं तो निगम का कमिश्नर उनके साथ के अधिकारी कर्मचारी मॉब लिंचिंग करके मार डालते हैं। हमारे देश में भोजन का अधिकार है। झारखंड में एक रामगढ़ में एक टोला है 45 परिवारों का, उनको राशन कार्ड नहीं है। वहां एक आदमी भूख से दम तोड़ देता है, बड़ी मुश्किल से 15 लोगों के राशन कार्ड बनते हैं। हमारे देश में किसान सड़क पर उतरते हैं तो मंदसौर में गोली कांड होता है। समय बहुत कम है, मैं आप सब लोगों से एक आग्रह करता हूं,
जो साथी संविधान को बचाना चाहते हो हाथ खड़ा करें सब लोग। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हम संविधान की हिफाजत के लिए अपना तरीका निकाले, अपनी अपनी लड़ाई ताली मिलाओ, एक उंगली से ऐसे ताली मिलाओ, अकेले अकेले दो संगठन मिलकर लड़ेंगे, दो उंगली और सारे संगठन मिलकर लड़ेंगे इस गिरोह के खिलाफ। तो जोर से आवाज कब आई जब सब लोगों ने मिलकर ताली बजाई। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। पूरे भारत की यात्रा में हमने देखा भारत में कंपनियों के टेलीविजन अखबारों से लोगों का यकीन खत्म हो गया है। वो बोलते हैं टीवी झूठ दिखाता है, ये जोरदार ताली और स्वागत होना चाहिए लोगों स्पोर्ट्स का। और हम आखिरी बात बोलते हैं, संविधान द्रोही, इस देश के किसान मजदूर आदिवासी मछुआरों के द्रोही जिन्होंने माछी मार का काम भी अदानी को दे दिया, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। नवंबर में शायद कुछ हो ना हो लेकिन देश में संविधान द्रोहियों का अंत होने जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।